नमस्कार, मैं गुनगुन और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। देश में एक बार फिर डराने लगा कोरोना, अभी और तेजी से बढ़ेंगे केस। देश में कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर डराने लगे हैं। देश में हर दिन 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में कोरोना के 10,753 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 53,720 हो गई है। ऐसे में IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि मई के मध्य में कोविड संक्रमण के मामले अपने पीक पर पहुंच सकते हैं। मई माह में हर दिन 50,000 से 60,000 कोविड मामले दर्ज किए जाने की संभावना है। मनिंद्र अग्रवाल का कहना है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने का प्रमुख कारण वायरस से लड़ने की प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता 5% लोगों में कम होना और कोविड के नए वेरिएंट के तेज गति से फैलना है। हालांकि ज्यादातर मामलों में कोविड के लक्षण हल्के होते हैं और खांसी जुखाम की शिकायत पर इलाज घर में ही किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए कल से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, 1 जुलाई से होगी यात्रा। अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अनुसार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 62 दिनों तक चलेगी। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रशासन सुचारू और परेशानी से रहित अमरनाथ यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। जम्मू कश्मीर प्रशासन सभी भक्तों और सेवा प्रदाताओं को अच्छी स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। तीर्थ यात्रा शुरू होने से पहले टेलीकॉम सेवाओं को चालू कर दिया जाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि अमरनाथ यात्रा दोनों मार्गों यानी अनंतनाग जिले में पहलगाम ट्रैक और गांदरबल जिले में बालटाल से शुरू होगी। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड भक्तों के लिए सुबह और शाम की आरती का सीधा प्रसारण करेगा। अमरनाथ यात्रा में कई सेवाओं का ऑनलाइन लाभ उठाने के लिए श्री अमरनाथ जी यात्रा का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध कराया गया है। राजस्थान में पंजाब जैसी गलती नहीं करेगी कांग्रेस, सचिन पायलट को मनाएंगे कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में पंजाब जैसी गलती दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गांधी की इस पहल के बाद कमलनाथ और कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने सचिन पायलट से मुलाकात कर उनका पक्ष जाना है। इस मामले में सचिन पायलट पर एक्शन की बात करने वाले राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को फिलहाल अलग रखा गया है। वहीं सचिन पायलट के कल झुंझुनू और जयपुर जिले में कार्यक्रम होने वाले हैं। सचिन पायलट का कहना है कि उनका अनशन पार्टी या सरकार के खिलाफ नहीं था, इसका उद्देश्य यह याद दिलाना था कि चुनाव वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा गया था, लेकिन 4 साल में जांच तक नहीं हुई है। कर्नाटक में विपक्षी एकता में दरार, शरद पवार की पार्टी 45 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कर्नाटक चुनाव को लेकर विपक्षी एकता को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शरद पवार की पार्टी कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 40 से 45 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बताया जाता है कि कर्नाटक में चुनाव लड़ने का फैसला शरद पवार ने नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए लिया है। NCP नेता प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि हमें वापस नेशनल पार्टी का दर्जा पाने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। इसके तहत NCP आने वाले चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट बहुत जल्द फाइनल करने वाली है। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल राज्य में BJP, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर के बीच मुकाबला माना जा रहा है। NCP के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को सीधा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी सूरज की तपिश, 18-19 को वेस्ट यूपी में हो सकती है बारिश। यूपी में सूरज की तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। चिलचिलाती धूप के चलते पारा तेजी से बढ़ने लगा है। इस बीच मौसम विभाग ने 18 और 19 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इससे उमस और बढ़ सकती है। वह अप्रैल के आखिरी सप्ताह में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार कल से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते 18-19 अप्रैल को पश्चिमी जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने फिलहाल हीट वेव का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। हीट वेव के आसार 44 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान दर्ज होने पर बनते हैं। अभी पहाड़ों पर सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, जिसकी वजह से फिलहाल हीट वेव की संभावना नहीं है।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पत्नी को मिलेंगे 68 करोड़, भारतीय कंपनी देगी पैसा। भारतीय आईटी कंपनी इंफोसिस ने वित्त वर्ष 2023 के लिए शेयर होल्डर को प्रति शेयर 17.50 रुपए का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। इससे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति को 68 करोड़ रुपए से अधिक डिविडेंड के रूप में मिलेंगे। अक्षता मूर्ति इंफोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। डिविडेंड देने के लिए कंपनी ने एक फिक्स डेट 2 जून 2023 तय की है, यानी इस तारीख को अक्षता मूर्ति के पास इंफोसिस के जो शेयर होंगे उसके हिसाब से उन्हें डिविडेंड दिया जाएगा और इसका पेमेंट 3 जुलाई को किया जाएगा। इंफोसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी जनवरी से मार्च 2023 में कंपनी का लाभ 7.8% बढ़कर 6,128 रुपए रहा है, जबकि 2021-22 में इसी अवधि में इंफोसिस को 5,686 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। गदर 2 के सेट से फिर सामने आया सनी देओल का लुक, एक्टर ने खुद सोशल मीडिया में किया शेयर। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की सुपरहिट फिल्म गदर के तारा सिंह का किरदार भारतीयों के दिल में बसा हुआ है। ऐसे में अब जब फिल्म का अगला सीक्वल गदर 2 आने वाला है तो दर्शकों को फिल्म देखने के लिए इंतजार करना मुश्किल हो रहा है। इस बीच सनी देओल ने अपने फैंस के तारा सिंह के लुक में अपनी एक और तस्वीर शेयर की है। इसमें वह एक मिरर के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। सनी देओल ने येलो शर्ट और ग्रे कलर की पगड़ी पहनी हुई है। इसके कैप्शन में सनी देओल ने लिखा है रिफ्लेक्शन। इस कैप्शन का अर्थ है कि तस्वीर में सनी देओल मिरर के सामने खड़े होकर स्माइल करते नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।